सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई। जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इस सब से क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। प्रधानमंत्री जी, आज एक तरफ सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आज़ादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, कुर्बानियां दी थी? आखिर वहां ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई वहां ना किसी पत्रकार को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज पूरा भारत जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था, किसने गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई? सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है ना। पिछले एक साल से किसान बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है वहां पे, और आज किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल के मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों ने क्या बिगाड़ा है? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। एक हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहां तो गाड़ी नहीं थी, और उसके एक हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहां तो किसान ही नहीं थे। सच यह है कि यहां सिर्फ न्याय नहीं है, आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है। फैसला आपको लेना है। प्रधानमंत्री जी, सारा देश चाहता है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। संबंधित मंत्री को आप कैबिनेट से तुरंत परिवारों से मिलें, अपने प्रधानमंत्री से मिलके उनका मन हल्का होगा। नमस्कार।